सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल YouTube चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। थक चुकी हूँ और मुझे लगी है जोरों से भूख, तो मेले में क्या कुछ खास व्यंजन है, क्या कुछ यहाँ पर स्वाद है जो हमारी जीभ को वहाँ पर ललचाए, तो चलिए वहाँ पर भी रुक कर लेते हैं। और सबसे पहले हम रुक करेंगे हरियाणा के टेस्ट का, जो कि गोहाना की देसी घी की प्रसिद्ध जलेबा है। उसमें देखते हैं क्या कुछ खासियत है, वो यहाँ पर जो लोग पहुँच रहे हैं वो किस तरह से उसको लुभा रही है। तो इस वक्त हमारे साथ स्टॉल की ऑनर है, उनसे जान लेते हैं कि गोहाना की इस देसी घी की प्रसिद्ध जलेबा में आखिर क्या खास बात है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नरेंद्र कुमार है और लगभग पिछले 10 साल से हम इस मेला ग्राउंड में स्पेशली हमें बुलाया जाता है स्टॉल के लिए। और इस जो जलेबा है इसकी स्पेशलिटी ये है कि इस बनता सिर्फ मैदा चीनी और घी से है, देसी घी से इसको तैयार किया जाता है। बड़े इसको धीरे धीरे धीमी धीमी आँच पर इसको तैयार किया जाता है और ये सिंपल मटेरियल जो होता है जलेबी का उसी मटेरियल से तैयार होता है। इसकी खासियत है बड़ा क्रिस्पी होता है और ये लगभग 10-15 दिन तक खराब नहीं होता। बिल्कुल जलेबा है यहाँ पर मेन्यू में, ये भी देख रहे हो कढ़ाई दूध का भी यहाँ पर जो है नाम लिखा हुआ है। कढ़ाई दूध की क्या खासियत? कढ़ाई दूध का ये कि हम दूध को इसमें कढ़ाई में डाल के धीरे धीरे पकाते रहते हैं और थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता है और इसमें ड्राई फ्रूट्स वगैरह डाल के इसका एक टेस्ट है और डिफरेंट टेस्ट होता है। कुल्हड़ के साथ हम इसको देते हैं। ये गर्मा गर्म जलेबा हमारे सामने आ गया है, इसको टेस्ट करती हूँ और देखती हूँ कि आखिर क्या इसका स्वाद है। तो वाकई देसी घी का अपना एक यहाँ पर मजा आ रहा है और बेशक ये मोटा है, जलेबा इसको बोला जाता है, लेकिन क्रिस्पी जो है वो भी काफी है और जो मीठा है वो भी। अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो इस जलेबी के स्वाद को जरूर चखेगा, क्योंकि अगर आपने ये नहीं चखा तो आपको कुछ आपने कुछ नहीं चखा। सूरजकुंड मेले की टैगलाइन है, अगर मेले में दूध जलेबा नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया। बिल्कुल, हम दूध का भी टेस्ट करना चाहेंगे कि दूध किस तरह का है। तो ये के साथ देते हैं। बिल्कुल, तो ये कूलर पे दूध है तो आप इसको भी देख सकते हैं, ये दूध गर्मा गर्म दूध है, इसको पकाया जाता है, इसमें जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो ऊपर से यहाँ पर डाले हुए हैं, तो आप देख सकते हैं बेहद ही लजीज लग रहे हैं दोनों। और मैं इतनी ज्यादा इसमें ललचा रही हूँ तो मेरे से रुका नहीं जा रहा है, मैं इसका जरा टेस्ट करती हूँ कि आखिर कितना इसमें टेस्ट है। तो जलेबा खाने के बाद ये फ्लेवर जो दूध है अगर ये आप पी लेंगे तो बस जो तृप्ति होती है वाकई इसको पीने के बाद वो महसूस होगी। फूड कोर्ट में भी रौनक देखने को मिल रही है, लोग खरीदारी के साथ साथ खाने का भी भरपूर लुत्फ उठा रहे हैं। लोग राजस्थानी, हरियाणवी और पंजाबी व्यंजनों का जायजा लेते नजर आ रहे हैं। खिली खिली धूप में कहीं कहीं युवक युवतियां कुल्फी खाते हुए तो कहीं मस्ती भरे माहौल में लोग खाने पीने का मजा ले रहे हैं। तो हरियाणवी जलेबा के बाद अब हम पहुंच गए हैं हरियाणवी रसोई और हरियाणवी थाली मेरे सामने सज चुकी है और इसका भी जायका ले लेते हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ जो ऑनर है उनसे जुड़ लेते हैं और उनसे जान लेते हैं कि इस हरियाणवी जायकी में आखिर क्या है। सर बहुत बहुत स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमारी हरियाणवी रसोई का 2 तारीख को यहाँ उद्घाटन शुभारम्भ किया है और उनका ये मानना है कि हमारी हरियाणा की कल्चर और संस्कृति इतनी अच्छी है कि हमारे से स्वादिष्ट खाना एक फेमस स्लोगन है कि ये है देश हरियाणा, यहाँ पर दूध दही का खाना। तो हम जो है उन्होंने कहा है कि भाई स्पेशली अब देखिए आप ये रोटी जो है स्पेशली तेराजा जौ चना गेहूँ, साथ में बाजरे की रोटी और साथ में मक्की की और ये तवे पे बनाई हुई, इसमें पतंजलि देसी घी गाय का और दूसरा घी जो भी लोगों को चाहिए, छाछ है, खीर बनी हुई है, टेटी का चाल है, चटनी है लाल मिर्च की जो सीते से, गुड़ है, शक्कर है और ये जो चीज़ें हैं कढ़ी दाल, दाल हमारी जो देसी उड़द की धुली दाल है वही हरियाणा में चलती है, कढ़ी पकौड़ी है, साग है जिसमें सरसों का नहीं बातू
बथुआ पालक चने का ये मिक्स होता था, आलू सेंगरी मंगोड़ी है, हमारी टिपिकल हरियाणा का जो है लोनी घी है, और ये सारी चीज़ें आज जो दो दिन से मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि पब्लिक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और फैमिलीज बोल के जा रही हैं कि ये खाना आप जो है ना इसको आगे भी कंटिन्यू रखें। तो मुख्यमंत्री जी ने पहले फैसला किया हुआ है कि सारे पर्यटक केंद्र जितने भी 42 के करीब हरियाणा में और जितना हरियाणा निवास और MLA हॉस्टल जितने हमारे हरियाणा भवन है दिल्ली का, तो ये सब जगह हमारा हरियाणवी थाली अवेलेबल होगी। बिल्कुल, 32वां संस्करण है मेले का, अगर बात करें कब से आप ये स्टॉल लगा रहे हैं और जो लोगों की अगर बात करें लोगों का कितना रुझान है, लोगों का क्या कुछ कहना है खाने के लिए? अच्छा, हमारे जो है ना पहले लगी तो शुरू से ही है, लेकिन वो अलग अलग जैसे खिचड़ी बाजरा ये कढ़ी चावल ये सब लेकिन मिक्स हो जाता है, इसको कहीं पंजाब का टच है कहीं राजस्थान का, तो इसलिए पहली बार इन्होंने फैसला कराया है कि भाई हरियाणवी थाली के नाम से ही और बहुत रीजनेबल रेट पे, भले इसकी एक ऑलमोस्ट कॉस्टिंग है देसी घी का ये सारा खाना है सिर्फ मात्र 200 रुपये इंक्लूडिंग GST एंड ऑल टैक्सेस। यहाँ पर ये लस्सी मैं देख रही हूँ, लस्सी में आपने क्या कुछ डाला, क्योंकि जो हरियाणा की लस्सी है वो बड़ी फेमस होती है? हाँ, इसके अंदर जीरा पुदीना हला धनिया और जीरा जैसे पीस के डालते हैं, काला नमक, ये सब मिक्स होता है और ये मतलब वैसे भी आदमी का स्टोमक साफ करती है, ये कि मतलब स्वाद के साथ साथ तो लोगों की हेल्थ का भी आप ध्यान रखें। हरियाणा के जितने आदमी मिलेंगे आपको उनकी सेहत बिल्कुल ठीक ठाक रहती है, इवन बुजुर्ग 80 साल की उम्र में भी एक एक डेढ़ डेढ़ किलो छाछ पीते मिलेंगे और उन्हें कोई बीमारी नहीं होती, शुद्ध सांस में रहते हैं। तो यहाँ पर लोगों के स्वाद के साथ साथ लोगों के जायके के साथ साथ हेल्थ का भी ध्यान रखा जाता है। तो हमने खाने के बारे में तो जान लिया है, 3 तरह की रोटी है और आप देख सकते हैं थाली भी पूरी तरीके से भरी हुई है। तो अब एक बार टेस्ट करके भी देख लेते हैं कि हरियाणवी जो रसोई है उसका क्या जायका है। तो मैं टेस्ट करती हूँ और बताती हूँ आपको। यहाँ पर ये मैं कढ़ी टेस्ट करने जा रही हूँ, तो देखते हैं कढ़ी का क्या टेस्ट है। वाकई बेहद ही स्वादिष्ट है, कोई स्पाइसी नहीं है। अगर आप सादा खाना पसंद करते हैं और हरियाणवी खाने के शौकीन हैं तो आप यहाँ जरूर आए और इस खाने का लुत्फ जरूर खाएं। लोग भी हैं, हम यहाँ पर लोगों से भी जान लेते हैं कि लोगों को कितना पसंद आ रहा है यहाँ का खाना। तो हम चलते हैं, लोगों का रुख भी कर लेते हैं, क्योंकि जो लोग हैं वो भी इस जायका का ज़्यादा अच्छा बता सकते हैं उनको कितना टेस्ट आ रहा है। सर, मैं आपको थोड़ा परेशान करूंगी, लेकिन हरियाणवी आप जायका चख रहे हैं तो थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे कितना टेस्ट आ रहा है, क्या आपको कितना अच्छा लग रहा है? इट्स रियली वेरी नाइस। आई मीन हरियाणा में ऐसा फील हो रहा है कि वी आर सिटिंग इन हरियाणा। खुशबू आ रही है हरियाणा की, देसी घी की खुशबू आ रही है। हरियाणा की देसी घी की खुशबू आ रही है, आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा है। क्या आपको सबसे ज्यादा पसंद? बचपन की याद आ गई हमें, जब हम अपने हरियाणा में खाते थे। सबसे ज्यादा इस थाली में आपको क्या पसंद है? हरी सब्जी। हरी सब्जी हम बचपन में यही खाते थे। तो यहाँ पर लोगों को भी काफी जो है जायका पसंद आ रहा है, वो कह रहे हैं कि यहाँ पर हरियाणवी खाने का जो मजा है वो अपने आप में एक संस्कृति से भी जोड़ता है, क्योंकि एक खास माहौल यहाँ पर इसलिए भी बन रहा है क्योंकि खाना भी है और साथ में जो हरियाणवी गीत है यहाँ पर उसका भी आप मजा ले सकते हैं। तो यानी अगर आपको दोनों मजे लेने हैं तो आप यहाँ आए और इस मजे का लुत्फ उठाएं। यूपी नहीं देखा तो इंडिया नहीं देखा। अब यहाँ हम पहुँचे हैं यूपी की चाट का स्वाद चखने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यूपी का स्वाद नहीं चखा तो क्या चखा। तो यहाँ के ऑनर से जान लेते हैं कि उत्तर प्रदेश की आखिर चाट में ऐसी क्या खासियत है जो लोग यहाँ खींचे चले आते हैं, क्या कहेंगे चाट? यहाँ पे कुछ फेमस है, जैसे हमारा खुर्जा का है कांजी बड़ा, जो कुछ अलग स्टाइल से बनाया जाता है, रात को कांजी बना के रखी जाती है फिर उसका बड़ा बनाया जाता है, जो काफी फेमस होता है, काफी पसंद भी कर रहे हैं लोग यहाँ पे। और हमारी ये है यहाँ पे एक खस्ता कचौड़ी जो आलू की सब्जी के साथ दी जाती है, उसको भी काफी पसंद कर रहे हैं। और जैसे रबड़ी जलेबी वो है, तो स्वीट्स में वो ज्यादा पसंद कर रहे हैं लोग, बाकी चाट तो सब है ही। अभी बहुत सारी वेराइटीज हमें दिख रही है, लेकिन अगर बात करें क्योंकि इस बार उत्तर प्रदेश थीम भी है तो लोगों का रुझान भी ज्यादा होगा, तो लेकिन मेन फूड है वो मेन जो आइटम है यहाँ पे वो आलू सब्जी, आलू की सब्जी और खस्ता कचौड़ी, कांजी बड़ा और चाट। बिल्कुल, लोगों की बात करें लोगों का रुझान किस ओर है, कौन सी डिश ज्यादा पसंद है? चाट, यूपी चाट ज्यादा डिश है, ज्यादा यहाँ पे लोग पसंद कर रहे हैं। बेसिकली बास्केट चाट, टिक्की, आलू चाट
क्योंकि लोग खाने के शौकीन होते हैं तो लोगों को अपने जायके को चखने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है, क्या प्राइस है वो भी आप क्या बताएं? 80 रुपीज। तो बिल्कुल, तो जहाँ पर वैरायटी बहुत सारी है लेकिन उत्तर प्रदेश की जो चाट है वो अपने आप में खासियत है। और सबसे स्पेसिफिक जो यहाँ पर चीज बताई है यहाँ के ऑनर ने, उन्होंने बताया कांजी वड़ा, जो कांजी वड़े को बहुत जो है लोग पसंद कर रहे हैं। तो हमने आपको तरह तरह का जो जायका है वो मेले में दिखाया, उत्तर प्रदेश का जायका है। ये पूरी स्टॉल है, आप देख सकते हैं तमाम जो वैरायटी है। अगर आप खाने के शौकीन है तो इस मेले में अगर आप आएंगे तो तरह तरह के व्यंजन और जो आप टेस्ट रखते हैं वो जायका आपको यहाँ पर जरूर मिल जाएगा। फरीदाबाद के सूरज कुंड मेले में हमने भारत के आपको तमाम राज्यों के रंग दिखाए और सिर्फ देसी ही नहीं विदेशी रंगों से भी आपको अवगत कराया और देश के तमाम जो व्यंजन है उसका भी स्वाद आप तक पहुंचाने की कोशिश की। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं और ग्रामीण परिवेश का अगर लुत्फ उठाना चाहते हैं तो आप इस मेले में जरूर आए और इस मेले में पहुंचकर इसके व्यंजनों का, इसकी लोक कलाओं का लुत्फ उठाएं। मैं और मेरी पूरी टीम आपसे अब इजाजत लेना चाहेगी। कैमरा पर्सन राजेश चौहान के साथ आशीर्वाद त्यागी, MH1। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।